अमरोहा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, सिपाही हुआ घायल। चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी, आरोपी बदमाश के पास से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा बरामद। मौके पर पहुंचे अमरोहा एसपी ने दी पूरी जानकारी। देखिए, हसनपुर पुलिस द्वारा आज रात्रि में चेकिंग की जा रही थी, इसी दौरान एक सामने से बाइक सवार व्यक्ति आ रहा था। जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उस व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। सेल्फ डिफेंस में जब पुलिस ने फायरिंग करी तो उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है, साथ में हमारा एक सिपाही भी घायल हुआ है। उस व्यक्ति से जब पूछताछ करी है तो उस व्यक्ति द्वारा बताया गया कि कल एक यहाँ पे हत्या की घटना हुई थी हसनपुर थाना क्षेत्र में, और उसके बाद में उस व्यक्ति ने उस घटना के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। इस व्यक्ति का नाम है शोएब और ये हसनपुर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। साथ ही साथ इस व्यक्ति से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा बरामद हुआ है। एक बाइक भी बरामद हुई है जिसकी नंबर प्लेट में कुछ क्लियर डिटेल्स नहीं है। उस व्यक्ति को और सिपाही को अभी उपचार हेतु हॉस्पिटल में भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, साथ में आगे जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी चल रही है। सर, किस रीजन के रहा जो हत्या की गई थी? देखिए, अभी पूछताछ की जा रही है, उसको उपचार हेतु भेजा गया है। अभी साथ ही साथ और चीज़ें भी हमने टीम लगा रखी है, उससे पूछा जाएगा कि क्या कारण रहा है।